आज भी मैं एज ए सोल्जर ही काम कर रहा हूँ और मेरे को यही रहता है कि मैं अभी भी फौज में हूँ। तो हमने डायरेक्ट जवान को सप्लाई देने का प्लान सेट किया है यहाँ पे। और ये हेड्स हैं हमारे, रिवर्स हैं दोनों तरफ। ये टैक्टिकल ट्राउजर्स हैं हमारे, डिफरेंट प्रिंट्स में हैं। ये सेना के लड़के भी यूज कर रहे हैं हमारे। ये हमारे डिफरेंट टाइप के टैक्टिकल गियर्स हैं। यहाँ पे प्लेट फंसा दी जाती है इसमें। इसमें हमने ये डबल मैगजीन रखने की जगह दी है। म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक्स में हुआ है, कोड़ी वाली में हुआ है। अच्छा, एक टू प्लेट्स होती है, एक फोर प्लेट्स होती है। जहाँ भी कमांडोज हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको देहरादून में मिलेगा। ये टैक्टिकल ट्राउजर्स हैं हमारी। आई थिंक जो मार्केट्स में बड़े बड़े ब्रांड्स के बिकते हैं। पॉन्चोज है, नायलॉन फैब्रिक्स में बना हुआ है। और ये हमारा टैक्टिकल जैकेट्स है। इसकी डिमांड इतनी है कि मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ। सबसे बड़ी मजबूती का तो कोई तोड़ नहीं है। हमारे रक्षक शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो हम आर्मी के लिए वो काम करते हैं जो उनकी जरूरत। ये हमारी जैकेट्स हैं और ये हमारी टैक्टिकल टी शर्ट्स हैं। ये हमारी कैप्स हैं, कोई जैसी भी एम्ब्रॉयडरी करके बनवाना चाहता है। ये सेविंग किट्स है हमारा, ये हमारे स्लीपिंग बैग्स। एक हमारी ये कुल्ट है, लाइट वेट है ये कुल्ट। जो आपको ये जूता मैग्नम का है, ये अमेरिकन कंपनी है। अच्छा, तो मिलिट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूव जूता है। ये हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है उधर से लेके उस तक। ये हमारा R&D सेक्शन है, यहाँ पे हमारे को सैंपल्स डेवलप कराए जाते हैं। तो यहाँ से आप प्रोडक्शन के लिए रेडी करवाते हैं। हाँ। तो आपको हर एक चीज इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, हम फैक्ट्री में नहीं है तो हम ऐसे ही कहीं भी किसी भी शॉप में या स्टोर में है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ आप हर चीज देख सकते हैं। तो ये रजाइयों में वर्क हो रहा है ना? हाँ, ये रजाई है, ये जैकेट के लेन को बाद में आप इसके इस पे कोई अपने लोगो या अपना कुछ भी एम्ब्रॉयडरी कराना चाहता है वो पॉसिबल। जिस प्रकार की ये हमारे लोगो लगे हुए हैं उनको। ये हमारा फिनिश गुड्स स्टोर है, यहाँ पे आफ्टर प्रोडक्शन यहाँ पे सारा स्टोर आता है। यहाँ से मार्केट के लिए यहाँ से चल देता है, यहाँ से जाता है। यहाँ हमारे यहाँ फौज में कहावत है, गोली आर्ट सिखाती है। तो काम ने हमें काम करना सिखाया कि चलिए आज हम अपना एक और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल में जिसका नाम है देहरादून टाइगर कमला भंडारी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में, मतलब हमारे इंडिया में, हर किसी की फैमिली में फौजी जरूर होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारे फौजी भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून के बीच में एक ऐसी जगह पे लेके आए, एक ऐसी फैक्ट्री में लेके आए जहाँ पे आपको मिलिट्री इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। इस फार्म का, इस फैक्ट्री का नाम ही मिलिट्री इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर लोकेशन बताती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे होलसेल और रिटेल दोनों में आपको हर तरह की ड्रेसेस, इक्विपमेंट सब कुछ यहाँ पे मिलने वाले हैं। और उसके बाद मैं ओनर से भी आपको मिलवाऊंगी जो कि खुद एक फौजी हैं, एक पैरा कमांडर से रिटायर्ड है। उन्होंने इसको कैसे मेंटेन किया हुआ और वो किस तरह से इस फार्म को चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर लोकेशन बताती हूँ, मेन रोड पर लेके चलती हूँ आपको और बताते हैं कि आपको यहाँ कैसे आना है। गूगल एड्रेस आपको मिलेगा स्क्रीन में दिए हुए नंबर से, आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे जरूर आ सकते हैं और ऑनलाइन भी आप कहीं पे भी अपने लिए कुछ भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार आपको लोकेशन में बता देती हूँ। तो ये जो लोकेशन है देहरादून और हरिद्वार मेन हाईवे है ये, और इसे माजरी ग्रांड बोलते हैं। अगर आप यहाँ से देहरादून की तरफ से आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में खेत रेस्टोरेंट है, खेत करके एक रेस्टोरेंट है, काफी बड़ा है। उससे आगे जाके आपको ये सामने पे एक बोर्ड दिखाई देगा, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट। यहाँ से अंदर जाके 300 मीटर की दूरी पे आपको यहाँ से ये गली है, आगे पीछे आप ये रेस्टोरेंट देख सकते हैं। और यहाँ से अंदर जाते हुए बोर्ड आपको डायरेक्शन देते रहेंगे, आप आ सकते हैं इजीली। बाकी गूगल लोकेशन हमने आपसे शेयर कर दी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर लोकेशन को बोलते हैं माजरी ग्रांड, ठीक है। तो चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को लोकेशन थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है, और आपको बहुत इजी गूगल मैप की हद से आप यहाँ पे आ ही जाएंगे। अब सीधा चलते हैं और इस फैक्ट्री के ओनर से मिलते हैं जो कि इस फैक्ट्री को रन कर रहे हैं और किस तरह से चला रहे हैं, आप लोगों के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है उत्तराखंड के इस फैक्ट्री में जहाँ से आप लोगों को अपने लिए
अच्छी क्वालिटी की फौजी ड्रेसेस मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए और सीधा ओनर से मिलते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपकी फैक्ट्री में आई हूँ और आप हमें दिखाएंगे कि आपने इसको कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने नाम से बताइए और आपने कैसे कैब सोचा इस बारे में और आज आप इसमें कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप आज मेरे संस्थान में आए हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं इसी माजिक ग्रांड गांव का रहने वाला हूं और मैं भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज से रिटायर्ड हूं। मेरी यूनिट जो है 9 पैरा हिस्सा पे जिससे मैं रिटायर्ड हुआ, लेकिन मेरा इनरोलमेंट गढ़वाल राइफल्स का है, मेरी पेरेंट यूनिट पकिंग गढ़वाल है। अच्छा। और मैंने जम्मू कश्मीर ब्लैकेट कमांडो यहाँ सब जेंट के में सर्व किया है और 2003 में मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया है 30 जून को। अच्छा। मैं जब रिटायरमेंट आया तो मेरे लिए एक चुनौती था कि मैंने अपने लिए सेल्फ रोजगार करना है या कहीं सर्विस करनी है। हाँ। तो मेरे को चैलेंज था। और दूसरे हम भारतीय सेना में रहते हैं, उस समय हमारे पास जो हमारे पैकेजिंग होती थी, सैलरियाँ होती थी, बहुत कम थी। हाँ। लेकिन हमारे अंदर भी एक था कि हम भी अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करें, अच्छी यूनिफॉर्म पहने, अच्छे स्मार्ट सोल्जर लगे, ऐसी कुछ भावनाएँ थी। और ऐसा में रहते हुए हम लोगों ने ये यूएसए आर्मी के कुछ डॉक्यूमेंट देखे थे जिनको यूज भी किया था, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन हम करते थे उनके लिए मिलती थी। अच्छा। वो आम भारतीय सेना को नहीं मिलते थे, लेकिन वो हमें कोई पार्ट टाइम के लिए मिलते थे, हमारे नहीं होते थे, वो वापस जमा भी होते थे। तो उस कंडीशन को देखते हुए हमारा अपना बैकपैक होना चाहिए, हमारे पास अच्छी सी यूनिफॉर्म, अच्छा गेटअप हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने काम किया। मैंने एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जब मैं सेना में सर्विस कर रहा था, मैंने एक बैकपैक खरीदा उधमपुर से। अच्छा। बाजार से। हाँ। और पैसे की कमी थी, सस्ता भी था, 150-200 आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, वो बहुत पुरानी बात होगी, पर उस समय 200-250 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। तो मैंने खरीदा और मैं अपने घर छुट्टी के लिए निकल रहा था, मैं अपनी यूनिट के गेट पे पहुंचा, वो बैकपैक खुल गया था। अच्छा। तो सस्ते के लालच में घटिया चीज खरीदी गई, एक शौक पूरा करने के लिए, अपने भावनाओं को रखने के लिए, हम भी अच्छे से रहें। तो वहां से मेरे को लगा कि इस चक्कर में हमारा जवान लूटा जाता है, वो सोचता है कि मैं भी अच्छा सा ट्रैक सूट पहनूंगा, अच्छी सी टी शर्ट पहनूंगा, अच्छी यूनिफॉर्म पहनूंगा, लेकिन उसके पास पैसे की भी कमी थी उस समय, तो वो लाता है तो वो सस्ती चीज के चक्कर में लूट जाता था। तो वहां से मेरे को लगा कि हमारी नीड है, हमारे जवानों की जरूरत है, और जवान अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहता था उस समय भी कि मेरे को ऑपरेशन में, लड़ाई में या कहीं पे आने जाने में अच्छी सुविधा रहे। जैसे स्लीपिंग बैग है, उस समय स्लीपिंग बैग अभी भी नहीं आई थिंक मिलते होंगे, कुछ जगह पे मिलते हैं, नहीं तो कुछ पैसा मिलता होगा। तो वो लाइट वेट होता है, कैरी करने में आसान होता है, बैकपैक रखना होता है, तो उसको रखते हुए इनोवेशन करते हुए मैंने ये चीज़ें पे काम करने का मन बनाया अपने रोजगार के लिए। दूसरे मेरी कुछ निजी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से मेरे को रिटायरमेंट आना पड़ा, तो मैं सेना से दूर भी नहीं जाना चाहता था। तो आज भी मैं एज ए सोल्जर ही काम कर रहा हूँ और मेरे को यही रहता है कि मैं अभी भी फौज में हूँ। तो हमने डायरेक्ट जवान को सप्लाई देने का प्लान सेट किया है यहाँ पे, और हम जो सामान बनाते हैं भारतीय सेना को, जेम पे भी रजिस्टर्ड है हम, और उनकी नॉन सीएसडीज में देते हैं क्रेडिट बेस पे। अच्छा। और कोई भी अपना लेना चाहता उस तरीके से ले सकता है। आप पैन इंडिया काम कर रहे हैं, हम छुट्टी नहीं होती, हम 365 दिन वर्किंग करते हैं। अरे वाह। और ये इम्प्रेशन हमें हमारे प्रधानमंत्री से मिला हुआ जो 18-18 घंटे काम करते हैं, कि भाई जब हमारा प्रधानमंत्री ऐसे काम कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ऑल डेज आपका ओपन रहता है। ओपन रहता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि टाइमिंग क्या होगी सर यहाँ पे आने की? यहाँ पे हम 8:30 बजे हमारा ओपन हो जाता, बट है कि मैं प्रेफर करूंगा लोगों 8:30 बजे तक आए, और शाम को 7:30 बजे तक रन होता, 8 बजे तक कोशिश रहती है, कभी कभी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो। तो और इसके बाद मुझे ये बताइए कि जैसे ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे रेट जो है वो कैसे आपने डिसाइड किए हुए हैं आम लोगों के लिए और जो बल्क में लेके जाते हैं उन लोगों के लिए कैसे? हम ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पहले तो, ना ये होलसेल है ना रिटेल है। हाँ। तो हमने जो रेट यहाँ पे रिटेल भी कर रहे हैं वो होल मैन्युफैक्चरिंग रेट पर ही है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग रेट पे। हाँ, अच्छा, ये है। और सेना को हम उनके कैंटीन में देते हैं बल्क पे, यहाँ पे भी वही रेट है जो हम सेना को देते हैं। अच्छा। तो और दूसरा ये कि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब हो जाती है? हाँ, ऑनलाइन हम फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजन पे भी हैं। अच्छा। और अपने बिहाफ पे भी हम करते हैं लोगों के साथ, हमारे जो व्हाट्सएप वगैरह में या सोशल मीडिया पे अप्रूव करने के बाद हम पहले पैसा लेते हैं, पोस्टल चार्ज लेते हैं, उसके बाद हम डिलीवरी कर देते हैं। तो एक बार सर आप हमें एक बार विजिट करवा दीजिए अपने फैक्ट्री का और थोड़ी चीजें हमें बता भी दीजिए।
ये हेड्स हैं हमारे, रिवर्स हैं, दोनों तरफ पहने जाते हैं। अच्छा। और इसकी जो MRP है वो 442 रुपए है, लेकिन हम इसको सेल करते हैं 260 में। अच्छा। 260 रुपए। हाँ, बट किसी ब्रांड के पास जाओगे तो आई थिंक 500-600 से स्टार्ट होकर 2000 तक की रेंज की मिलती हैं। और क्वालिटी में चैलेंज कर सकता हूँ, उनके हमारे बराबर नहीं होगी। अच्छा। मेरे खुद का भाई जो है वो यहाँ से लेके जाते हैं और अपने दोस्तों के लिए भी लेके जाते हैं, लेकिन फ्लाइट से जाते हैं आजकल तो इतना बल्क में नहीं ले जा सकते। तो पैन इंडिया और डिलीवरी होने का यही फायदा है कि आप खुद से ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा रेन सूट से कॉम्बैट है, इसमें ऑलाइव भी होता है, रिवर्स दोनों तरफ पहनने वाला है। अच्छा। आई थिंक जो मार्केट्स में बड़े बड़े ब्रांड्स के बिकते हैं हर, वो प्रत्येक वर्ष लोगों को बदलने पड़ते हैं। लेकिन ये हमारा 10-12 साल ही चल जाता है। हाँ, उसके बाद भी खराब नहीं होगा और ये विंटर में भी लोगों को हेल्प करता है, हवा नहीं जाती, हवा से भी बचाता है, कोल्ड से भी बचाता है और रेनिंग से भी बचाता है। ये इस तरह की क्वालिटी हमने डेवलप की गई और हमारी जिपर ये दुनिया के सबसे नंबर वन ब्रांड YKK की जिपर्स यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए आप इस तरह की, अगर आपको रेनकोट और इसमें एक और बताना चाहूंगा मैं, ये बड़ी मिलों से बनाए हुए फैब्रिक्स हैं और ये नायलॉन है। अच्छा। इसमें हिंदुस्तान के अंदर 90% पॉलिएस्टर पे काम हो रहा है जो कि क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं होता है और हार्मफुल भी होता है बॉडी के लिए। हम आप हर चीज का ध्यान रखते हैं। हाँ, इस चीज को रखते हैं। अच्छा। नेट की सैंडोज हैं, लोगों के लिए कंफर्टेबल है पहनने में, बहुत अच्छी हैं और थोड़ी स्मार्ट भी लगती हैं, तो ऐसी चीजें हम डिजाइन करते रहते हैं। पॉन्चोज है, नायलॉन फैब्रिक्स में बना हुआ है, इसका हम टेंट भी विवो की भी बना सकते हैं। अच्छा। ये हमने इसे पॉकेट दी भी, इसके अंदर रोप डाली भी है, कहीं हम लोग इसको मल्टीपर्पज यूज करने वाली चीजें हैं। इसको कहीं रेन में बैठना है, विंटर्स में बैठना है, तो ऊपर से कहीं बांध के पेड़ों के ऊपर रस्सियां को, ये मल्टीपर्पज का ये काम कर रहा है। हाँ। अच्छा है कि अगर आप लोग अपने लिए वैसे यूज करना चाहते हैं, ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, तो इसका आप टेंट भी बना रहे हो। हाँ। और बारिश में आप हिली एरिया में जाते हो, वहाँ बारिश जरूर पड़ती है। हाँ। तो वैसे यूज कर सकते हैं। ये हमारे कोई विंटर्स का है, सारा जैकेट्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप की, ये फ्लिस की जैकेट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये हम बेच रहे हैं 1600 रुपए की। 1600 रुपए। हाँ, बट ये किसी मल्टीपर्पज ब्रांड की होगी तो 10-12 हजार से कम नहीं आएगी। ये जो इसकी जिप्स हैं, जो इसकी क्वालिटीज हैं, हमारे पास 1000 से स्टार्ट होती हैं फ्लिस की जैकेट्स और 3000 तक की रेंज की हैं। अच्छा। डिफरेंट टाइप में रिवर्स हैं, अस्तर के साथ है, लाइनिंग के साथ है। तो ये और सर ये गर्मियों के टाइम पे मिल जाएगी, तभी भी मिलती है और सर्दियों में भी मिलती है। 12 महीने मिलती है। 12 महीने मिलती है। अच्छा। हाँ। तो ऐसा नहीं है, कस्टमाइज ऑर्डर भी हो जाते हैं हमारे। अच्छा, अच्छा। और इसमें ना एक चीज मुझे और अच्छी लगी कि एक ही कलर नहीं है आपके पास, यहाँ कलर्स के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ग्रे कलर भी यहाँ पे मिलने वाला है और इस तरह की ड्रेस जो आप खुद से पहन के ले सकते हैं। तो आज की वीडियो तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी होने वाली है। और ये हमारा टैक्टिकल जैकेट है जो आर्मी के लिए हम यूज करते हैं, ये -10 से 15 डिग्री तक काम करती है। अच्छा। इसके अंदर पोलो फिल है, नायलॉन फैब्रिक यूज किया हुआ है, नायलॉन फैब्रिक भी ब्रीदेबल फैब्रिक है हमारा। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये रिवर्स है, दोनों तरफ से पहनी जा सकती है, दोनों तरफ से। अच्छा। हाँ, ये देखिए ये। अच्छा, तो सर इसका क्या प्राइस होने वाला है? ये 2500 की है ना। अच्छा, 2500 की ये आपको यहाँ मिलने वाली है। आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको यहाँ सही पड़ेगा या कहाँ सही पड़ेगा। हाँ। तो आगे देखते हैं। और इसमें टैग हमारे पे प्रिंटेड है, ऑलाइव है, ब्लैक्स हैं, और ये भी एक हमारे पास पोलो फिल जैकेट्स बनते हैं, कोटिंग करके हमने बनाई है। अच्छा। और बहुत हॉट एयर में इसको पिछले 10 साल से सेल कर रहा हूँ। अच्छा। और एजिट है कि कोई मेरे को चेंज करने की जरूरत, बोला हर साल नया कुछ लाओ, इसकी डिमांड इतनी है कि मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, मतलब आपको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब इसके कोल्डर, इसका मेन उद्देश्य हमारा कोल्ड को से सेफ्टी करना, तो उसमें कामयाब है। तो ऐसी ऐसी जगह हमारे फौजी भाई जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए कि जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी जगह के लिए तो बहुत ही अच्छी। ये डिफरेंट टाइप के फ्लिस लाइनिंग के विंटर्स जैकेट्स हैं, बहुत अच्छे। तो नॉर्मल हर कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, ना ये। हाँ, कोई भी कर सकता है, कोई भी यूज कर सकते हैं, हम लोग भी यूज कर सकते हैं। आपको कहाँ कहाँ से इसकी डिमांड आती है आपके पास? हम भारतीय सेना की जो मेरी स्पेशल फोर्सेज हैं, जितनी स्पेशल ग्रुप्स हैं, वो सब मेरे से परचेज करते हैं। अच्छा। और वो डिफरेंट में भी रहते हैं, सिक्किम में भी रहते हैं, जम्मू कश्मीर में अल्टीट्यूड्स हैं वहाँ रहते हैं, और जहाँ पे भी कोल्ड स्ट्रीम्स एरियाज हैं, सब जगह लगभग मेरा काम है सेना। अच्छा। के लिए अभी हमारे पास एक बाहर किसी विदेश का ऑर्डर भी चल रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई बाहर से भी, इंडिया से बाहर से भी मंगवाना चाहे तो आप हाँ, उसे भी कर हाँ, सकते हैं। हमारे पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, और ये हमारे बैकपैक्स हैं। अच्छा।
सकते हैं। तो आपने बैग्स के भी यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है कि भाई बैग चाहिए है ना, तो बैग हम सेना के साथ साथ स्कूल बैग्स के तौर पे या लोग अपना सेल्फ कैरी करने के लिए रखते हैं। तो इनमें मजबूती बहुत होती है ना, सबसे बड़ी मजबूती का तो कोई तोड़ नहीं है। जो बच्चे जो पेरेंट्स परेशान थे कि हमारा बच्चा चार बैग साल में डिस्ट्रॉय करता है, तो उन पेरेंट्स के लिए हमारे यहाँ बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चा परेशान हो जाता है चार पांच साल तो किसी कंडीशन में हमारा बैग कहीं जाता ही नहीं। इवन दैट इतना है लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए लेके अपने भाई के बच्चे को अपने बहन के बच्चे को आगे आगे इनको अच्छा। हाँ ये अच्छा, तो इनकी स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से होने वाली है और कौन से एज ग्रुप से मिल जाएंगे सर? 350 से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे डे पैक से जो छोटे पैक पैक हैं अलग अलग डिजाइन डिफरेंट टाइप के 2000 तक के रेंज के हैं और फिर उससे ऊपर हमारे रक्षक शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारा सीएचएल बैग है जिसको हमारे आर्मी ऑफिसर यूज करते हैं और कहीं पे पायलट्स यूज करते हैं इसको। हमने एक सिविल के लिए महिलाओं के लिए भी ये बैग डेवलप किए हैं। अच्छा, ये वाटरप्रूफ है फुली और ये इनके लॉन्ग लाइफ है। लोग लेदर लेदर करते हैं, लेदर कभी भी लेदर इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, एक तो वाटरप्रूफ से है, वाटरप्रूफ के साथ साथ आप इसे मंदिर मस्जिद कहीं पे भी लेके जा सकते हो। अच्छा, हाँ वो होता है लेदर का भाड़ रख दो जी निकाल के। इस टाइप से डिजाइन है यहाँ पे, हाँ। आपको काफी डिजाइन भी मिल जाएंगे ये चीज। और भी बहुत सारी डिजाइन है हमारे पास। हाँ हाँ। और ये कोई डिस्प्ले के आपने कोई कस्टमाइज बनवाना चाहता अपना वो करके, तो हम आर्मी के लिए वो काम करते हैं जो उनकी जरूरत होती है। हाँ। अल्ट्रेशन के साथ वो बोलते हैं तो जैसे उनको उस हिसाब से काम करते हैं। दूसरी हमारे इस साइड में ट्रैक सूट्स है हमारे सारे, ये ट्रैक सूट्स डिफरेंट टाइप के ट्रैक सूट्स लगे हुए हैं ये वाला। और इधर से सेक्शन जो है आपका ट्रैक सूट से लोवर्स का हो गया, पैंट्स का हो गया। हाँ। सब तो इनका स्टार्टिंग प्राइस एक बार बता देंगे आप कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? हमारे लोवर्स हैं 500 रुपए से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ये हमारी जैकेट्स हैं। अच्छा, और इसमें भी ट्रैक सूट्स हैं। तो देखिए जैकेट्स आपको बिल्कुल जो फौजी पहनते हैं वो ही मिलेंगे आपको, है ना? ये हमारी स्मोक डेंशन से कॉटन 100% कॉटन। ये हमारी टी शर्ट्स हैं और ये कॉटन लाइक्रा में हमारी टी शर्ट्स हैं। हम जो मटेरियल यूज करते हैं 100% बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता है, उसमें हम 4% लाइक्रा मिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें भी आपने अलग अलग। हाँ, और ये हमारी टैक्टिकल्स टी शर्ट्स हैं। ये 4-5 टाइप की हमारे यहाँ बनती हैं अलग अलग रेंज की। हमारे यहाँ 700 से ये स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। और 1500 रुपये की रेंज तक की ये टी शर्ट्स हमारे पास हैं। जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कुछ टेक्सटाइल और कुछ निटेड फैब्रिक मिक्स होता है। अच्छा। और एक नेट होता है, 3-4 आइटम्स मिलके इसको बनाया जाता है। ये हमारी कैप्स हैं, कोई जैसी भी एम्ब्रॉयडरी करके बनवाना चाहता है वो पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस पर्सन के लिए हमारी ये टॉप कैप्स हैं, कोई जैसी चाहेगा वैसी हम बना देंगे। अच्छा। और ये फिर रेनिंग आइटम्स हैं, विंचीटर्स हैं डिफरेंट टाइप के। अच्छा, विंचीटर भी आपके पास? हाँ, ये जो जैकेट्स होते हैं लगभग पूरा जैकेट का काम भी करते हैं, दोनों तरफ पहनने वाले हैं। तो सर ये भी कितना टाइम चल जाते होंगे इनकी? ये हमारे जो फैब्रिक्स हैं ये कभी खराब नहीं होते हैं। अच्छा। कितनी इनकी लाइफ है, बाकी जितना कोई केयर करेगा उतना अच्छा है। 10-15 साल कहीं नहीं जाते हैं इस तरह की क्वालिटी की। 10-15 साल तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, इतना सर बोल रहे हैं तो फिर बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे और अच्छे से सेव करते हैं। ये सेविंग किट्स है हमारा। अच्छा, सेविंग किट्स। हाँ, तो आई थिंक ये हमारा 250-300 रुपए में बिकता है, लेकिन लोग इसे 200 रुपए खर्च करके पोस्टल चार्ज लगा के तब मंगाते हैं और 500 का पड़ता है, लेकिन इंटरेस्टेड है, उन्हें पता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी, सही बात है। अब बाजार में 35 रुपए का भी मिल जाएगा। बिल्कुल। ये टेक्टिकल ट्राउजर्स हैं हमारे, डिफरेंट टाइप की उस साइड भी हैं इधर भी हैं। अच्छा। डिफरेंट प्रिंट्स में हैं। ये सेना के लड़के भी यूज कर रहे हैं हमारे, और यूथ को भी एक क्रेज है आज के डेट में कि हम सेना जैसा सैनिक जैसा दिखें तो पहनना चाहते हैं इनको। तो इसमें क्या है ना कि रील्स वगैरह बनानी है, या आजकल फोटो सेशन भी चलता है ना कि बच्चा भी पहन रहा है और उनके पेरेंट्स भी पहन रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ से कस्टमाइज करवा सकते हैं सर। ये हमारे डिफरेंट टाइप के टैक्टिकल गियर्स हैं। अच्छा। जो हमारे जवान जो ऑपरेशनल एरियाज में जाते हैं, अपने राइफल्स के मैगजीन कैरी करना होते हैं, अम्युनिशन कैरी करना होता है, उसके लिए यूज करते हैं इनको। अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे लोगों की ये कुछ इसके प्लेट्स रखने के लिए जगह बनाई हुई हमने ये वाली यहाँ पे। और तो सर ये पर्सनल भी लेते होंगे सब? हाँ, पर जस्ट सोल्जर्स आते हैं हमारे से पर्सनल। हाँ, भी खरीदते हैं पर्सनल भी, अपनी क्वालिटी के, अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग। इसको अमूमन ऐसे पहना जाता है और
ये ऐसे लग जाता है और ये जिप चढ़ा दी जाती है और ये यहाँ पे प्लेट फंसा दी जाती है इसमें और ये मैगजीन्स है, इसमें राइफल की मैगजीन्स रख दी जाती हैं, ग्रेनेड्स रख दिए जाते हैं और उसके इसको खोल के बंद कर दिया, मतलब हर जगह लॉक्स हैं ताकि मतलब हाँ किसी का मैगजीन गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए उसको, लड़ाई में जब फायर करेगा मैगजीन बदलना होता है, खाली मैगजीन यहाँ चढ़ाएगा वापस भरा मैगजीन निकालेंगे। तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करना, अगर आप लोग कहीं से भी हैं, फौजी हैं, देहरादून आ रहे हैं स्पेशल, तो आप लोग सर से जरूर मिलके जाइएगा, देखिएगा कि अपने पंप को कैसे चला रहे हैं। हाँ ये भी है, जैसे जहाँ की जरूरत होती है अलग अलग अपने अपने रिक्वायरमेंट के। और ये टेक्टिकल गियर्स हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन CI काउंटर इंसर्जेंसीज हैं जो J&K में और नॉर्थ ईस्ट में सब जगह यूज हो रहे हैं। इवन दैट हमारा ये आर्टिकल यूज किया गया है सर्जिकल स्ट्राइक्स में। SG वाले इसको यूज करते हैं, स्पेशल ग्रुप्स वाले। और इसका मेन मकसद क्या है कि हमने इसको पहना ये इसको आसानी होती है, इसको टाइट किया अपने लिए बॉडी के हिसाब से फिट किया और जब मर्जी। और यहाँ हमने मैगजीन, इसमें हमने ये डबल मैगजीन रखने की जगह दी है। अच्छा, क्योंकि तो सेना ये सर्जिकल स्ट्राइक में ये वाला मतलब हुआ था यूज ना। हाँ यूज हुआ। अच्छा, है तो ये म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ है, कोड़ी वाली में हुआ है। अच्छा, और उससे पहले भी होता रहा है। और इसका मकसद हमारे सैनिक के जवान को राशन कम पड़ जाए चल जाता है, लेकिन अमनेशन कम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए ये हम यूज करते हैं, उसके ध्यान में रख के बनाया। इसके अंदर जहाँ पे ज्यादा कुछ होता है तो ऊपर से ब्लड प्रूफ पहनी जाती है, तब इसको ऊपर से पहन लेते हैं, अदरवाइज मूविंग करनी है लंबा लॉन्ग रन करता तो उसको तब नहीं पहनते। और इसकी स्ट्रेंथ का बहुत ध्यान रखा गया है और ये स्पेशल उन्हीं के डिजाइन बनाए गए हैं, स्पेशल फोर्सेज वालों के। आज उन्होंने बोला हमारे लिए इसको डिजाइन करो, तब मैंने इसको डिजाइन। एक टू प्लेट्स होती है, एक फोर प्लेट्स होती है। अच्छा, ये टू प्लेट्स है? हाँ, वो फोर प्लेट्स। ये फोर प्लेट्स अलग अलग क्या क्या है? ये इसमें साइड से आते हैं कुछ पीसेज, ये के फ्रंट और बैक होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ भी कमांडोज हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको देहरादून में मिलेगा। तो सर इसका क्या प्राइस होने वाला है? 2200 से इसका रेट है। अच्छा, इनके साथ ये टैक्टिकल ट्राउजर्स है हमारी। अच्छा, और ये बहुत ही, अब हम इसे अमेरिका से लाएंगे तो आई थिंक 35,000 की आएगी ये। हाँ, अच्छा, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं तो कहीं पे भी कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज होती है या कोर्सेज होते हैं तो कोलैबोरेशन होता है। अच्छा, तो हमारे 35-40 हज़ार के हमारे ऑफिसर्स खरीद के लाते हैं वहाँ। इसमें जो इसकी स्टिचिंग क्वालिटीज हैं, चैलेंज के साथ है कि ना तो कोई ऐसा धागा यूज कर रहा है इसमें और ना ही इतना बढ़िया कोई बना के दे रहा है। चैलेंज के साथ है वीडियो, फौजी का चैलेंज तो समझो आप कि चैलेंज। ये डिफरेंट टाइप के प्रिंट्स हैं। तो देखिए पैंट्स की आपको यहाँ पे मतलब जो सर बता रहे हैं, मुझे नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज देखने में पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें कलर्स बहुत सारे हैं, हर तरह के कलर हैं, ऐसा नहीं है एक ही पैटर्न आपको मिलने वाला है। जो हमारे यहाँ अवेलेबल है वो जितना मर्जी ले जाइए। अब आप अपनी कोई स्पेशल डिमांड बनवाना चाहते हैं, बड़े ट्रूप्स के लिए बनाना चाहते हैं, वो डेवलपिंग में टाइम लगता है, वो सब चीज़ पॉसिबल है हमारे। ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं और ये नॉर्मल स्लीपिंग बैग्स हैं हमारा। ये हमने 0 डिग्री से लेके लगभग -20 डिग्री तक का हमने डिज़ाइन किया गया है इसमें। अच्छा। और 2000 से हमारे स्लीपिंग बैग स्टार्ट होते हैं, 6,500 तक की रेंज हमारे पास इसमें है। ये हमारे शॉर्ट्स हैं, तो शॉर्ट्स भी अवेलेबल है और ये सबसे ज़्यादा ये ट्रैकिंग हो चाहे आप किसी भी पर्पज़ से चाहिए आपको मिल जाएंगे। ये हमारे स्लेदरिंग ग्लव्स हैं। अच्छा, जब हम हेलीकॉप्टर से या कहीं पर भी स्लेदरिंग करते हैं, से उतरते हैं, तो ये ग्लव्स हमारे यूज होते हैं। अच्छा, ये डबल प्रोडक्शन से डबल लेदर से कवर किए गए हैं और कैनवास का यूज किया है, अंदर से पैकिंग भी दी गई है। अच्छा, क्योंकि जब नायलॉन रॉप्स में हम आते हैं ऐसे करके ऊपर से तो हाथ बहुत गर्म हो जाता है, इवन दैट इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि हाथ जवान बीच में छोड़ देता है। अच्छा, तो अगर छोड़ देगा तो उसके साथ हादसा होने का चांस बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और हमारी ये सॉक्स बहुत हॉट केक है और जो पर्सनल यूज करते हैं, बहुत बड़ा लोगों का फीडबैक है कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये प्रीमियम क्वालिटी है और इसको हम विंटर्स और समर दोनों में यूज कर सकते हैं। दोनों में। अच्छा, हाँ। और सर इसमें कलर्स भी मिल जाएंगे कि ये हमारे पे ब्लैक और ओलाइव है नाउ। अच्छा, और आगे डेवलप करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये हमारे। अच्छा, हमारे कंपटीटर्स 600-700 का बेच रहे हैं, ये क्वालिटी नहीं है। अच्छा, कई लोगों को कहीं ना कहीं घर का जोगी जोगना बाहर का सीध, तो ये फील आती है, लोगों को लगता है दूसरा आदमी ज्यादा जानता है तो उसको लोग सोचते हैं कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो प्रॉपर बिजनेसमैन है, वो जो भी लोगों को अपनी मार्केटिंग करके भेज देता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सेना के होने के नाते हम सच बोलते हैं तो लोगों को बिलीव भी नहीं होता, अपने आदमियों को भरोसा करते हैं लोग और अपेक्षाएं हमारे से ज्यादा बढ़ जाती हैं।
एक हमारी एक कुल्ट है, लाइट वेट है कुल्ट। अच्छा। और इसमें सिंगल बेड डबल बेड की हमारे पास अवेलेबल है। और मैंने पायलट भाबा को दी थी यहाँ से, वो बहुत सारा सामान लेके गलती से एक दिन वो मेरे यहाँ विजिट पे आ गए, तो उन्होंने बोला ये सामान लेने मेरे को जापान जाना पड़ता था और उसमें कोरोना हो रखा था, मैं 2 साल से गया नहीं, तो बहुत सारा सामान ले गया हमारे यहाँ से। अच्छा। लेकिन मेरी रजाई को वो 5 दिन बाद वापस कर गए, बोले जी मैं नहीं उड़ सकता इतनी ओटे। अच्छा। और मेरे को हरिद्वार के लिए मतलब जो पीक सीजन समर का होता है, विंटर्स का होता है ना, तो उस समय बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छी है। अच्छा। तो वेट से भी पता चला सर, इसमें कलर भी है, ये कलर बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें कलर्स भी, मतलब अगर घर के लिए भी यूज करना चाहो तो घर के लिए भी है। बहुत अच्छी चीज है। तो जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, तो स्पेशली वो आ सकते हैं यहाँ पे। और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आप ये ले गए थे और जो सर बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो भी बताना कि सच में है कि नहीं है। जो हमने ये रजाई दिखाई आपको, ये सब इस तरह की, 2 तरह की पैकिंग से, एक ये वाली है और एक ऐसे वाली है। अच्छा, ये हमारा ट्रायल रूम है। अच्छा, वो ट्रायल रूम भी बिल्कुल फौजी स्टाइल में, वाओ, मिलिट्री स्टाइल में। तो आप ये देख सकते हैं, ट्रायल रूम भी है, उसे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे आपकी फिटिंग की चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है। बाकी फिर अगर नहीं आया तो फिर दूसरा ट्राई कर सकते हो। देखिए पूरा अरेंजमेंट है अंदर, आपको मिरर भी मिलने वाला है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, ये रॉप्स हैं, ये भी आपके पास मिलती है? हाँ, ये भी मिलती है, बाहर से कराते हैं। ये 6 mm से लेके 14 mm तक हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। और फिर एक और रोप आती है, वो 32-32 mm की होती है, वो भी अवेलेबल, वो भी मिल जाती है। अच्छा, और अभी मैं इनकी बात कर रही थी तो ये केपरीज भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। हाँ, ये भी केपरी कितने से स्टार्ट है सर? ये 850 से है। 850 से स्टार्ट है। हाँ, 750 जो आपको यहाँ बिल्कुल रियल चीज 850 में मिल रही है, और बाहर आप मॉल्स वगैरह में लेते हैं तो आपको कैसे मिलेगी, तो वो आप कंपेयर कर लें। ये जूता मैग्नम का है, ये अमेरिकन कंपनी है। अच्छा। और ये 8,000 से 10,000 के बीच में रेंज है मैग्नम के शूज की। ये हमारा यूनिफॉर्म है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूव जूता है। अच्छा। और यूनिफॉर्म में पहना जाता है। हाँ। बाकी ये जूता एक हमारा K9 के नाम से है। अच्छा। इंडियन बना हुआ है। हाँ। लेकिन ये मैग्नम की कॉपी टाइप है। अच्छा, तो सर इनका क्या प्राइस? इसकी प्राइस उससे कम है। अच्छा, कितना है? 3,000 का है। ये जंगल शूज है। अच्छा, ये जंगलों में चलने के लिए यही वाले यूज करते हैं क्या? अभी मैं आपको अपना प्रोडक्शन फ्लोर दिखाऊंगा। अच्छा, अब आप हमें प्रोडक्शन फ्लोर में भी लेके जाएंगे। अच्छा सर, आपके पास कितने लोगों की टीम होगी? कितने लोगों की टीम होगी आपके पास? मेरे पास ट्रेनिंग के साथ मिला के नियर अबाउट 17 लोग हैं, 70 लोग हैं। 70 लोग हैं यहाँ पे। हम ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो यहाँ लोगों को हम खाने से और रहने की सुविधा ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब खाना भी आप देते हैं, जॉब भी आपने प्रोवाइड की? हाँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनको, फिर प्लेसमेंट भी देता हूँ। अच्छा। और रहने खाने की सुविधा भी दे रहा हूँ, और ट्रेनिंग के टाइम पे मैं उनको स्टे फंड भी देता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सर, अगर किसी को ऐसी जरूरत होगी जो सीखना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, तो वो क्या आपके पास जब जगह खाली होती है तब आप? नहीं, हमारे पास लगभग, हमारे को यहाँ पे मशीन ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। अच्छा, मतलब आपके पास रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम क्या करते हैं कि लोगों को जो हमारा ओरिजिनल एटमॉस्फेयर रिप्रोडक्शंस का, उसमें हम उसको प्लेसमेंट एज ए ट्रेनिंग देते हैं, और 3,000 रुपये उसे हम प्रोत्साहन राशि देते हैं। अच्छा। मंथली सिखाने के साथ आप सिखा, और उसके वो सीख भी रहा है और उससे आउटपुट भी निकालने का प्रयास होता है। पहले 1-2 महीने तो लॉस करता है हमारा, तो उसके बाद उसको रहने और खाने की सुविधा भी देते हैं। अच्छा। और जैसे जैसे उसका हार्ट ठीक होता जाता है, वैसे वैसे उसकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाती है। अच्छा, ये चीज बहुत अच्छी है। अगर कोई आसपास के इलाके से देख रहा है, बेरोजगार बैठा है, कुछ करना चाहता है, तो सर से जरूर जुड़िएगा। ये हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है। अच्छा। उधर से लेके उस तक, लेकिन ये हमने अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है। उस साइड हमारा स्लीपिंग बैग सेक्शन है। अच्छा। बैक सेक्शन है, स्लीपिंग बैक सेक्शन है, और ये जैकेट सेक्शन है। अच्छा। और वो होजरी बोलते हैं, जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं, उस वो बनाई जाती है उस तरह। अच्छा। उसे हम होजरी सेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे टी शर्ट्स बनती हैं। ये हमारा R&D सेक्शन है। अच्छा। यहाँ पे हमारे को सैंपल्स डेवलप कराए जाते हैं। उधर मास्टर टेबल है, वो खड़ा होकर उधर अपने प्रोग्राम सेट करता है, कटिंग करता है। अच्छा। और यहाँ पे स्टिचिंग होती है। ये अभी यहाँ पे हमारा मास्टर कैंची से कट कर रहे हैं, बट कि ये हमारे जो टेबल है, हम इस पे क्या करते हैं, लेयर लगाते हैं, उसके साथ एक साथ कटिंग्स हो जाती है। जब ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, और कई जितनी हमारी कैपेबिलिटी होती है अलग अलग फैब्रिक के आधार पे, उस हिसाब से हम यहाँ पे लेयर लगाते हैं, और ऊपर फिर ये पैटर्न से मार्किंग करते हैं, और कटिंग मशीन है हमारी, फिर उससे हम कटिंग कर देते हैं। ये यहाँ ऐसे होता है।
तो एक फैक्ट्री में किस तरह से काम होता है, तो आज मुझे भी ये देखने का मौका मिला है। ये हमारा रॉ मटेरियल्स स्टोर है। अच्छा, ये हमारा फैब्रिक ग्रुप है। इधर यहाँ हमारे सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं। अच्छा, और इसमें कुछ हमारे सिंथेटिक प्लस टेक्सटाइल हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप प्रोडक्शन के लिए रेडी करवाते हैं? हाँ, ये जो हमारा टिकट 20 का थ्रेड है बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम क्वालिटी का है। हम इसको यूज करते हैं बड़ी बड़ी जैकेट्स अच्छे प्रोडक्शन में। अच्छा, इसकी बहुत ज्यादा लाइफ है। तो आपको हर एक चीज इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, हम फैक्ट्री में नहीं है तो हम ऐसे ही कहीं भी किसी भी शॉप में या स्टोर में है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ आप हर चीज देख सकते हैं। हम वाटरप्रूफिंग करते हैं रेनिंग आइटम्स में, उसके लिए हीट सील टेप है। अच्छा, ये हमारे पे हीट सील मशीन है, उससे टेप की उसको स्टिचिंग के ऊपर से पेस्ट किया जाता है ताकि पानी ना आ सके। तो ये पूरा स्टोर आपका जो स्टिचिंग के लिए जो भी चीजें यूज़, हाँ, जो भी आर्टिकल्स उसमें फैब्रिक के अलावा जो भी चीजें लगती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। और उनका यहाँ पे लेआउट है, जैसे ये खत्म हो जाते हैं वैसे हम इनको स्टोर मेंटेन करते रहते हैं और मंगाते रहते हैं। हमारे यहाँ फौज में कहावत है गोली आर्ट सिखाती है, तो काम ने हमें काम करना सिखाया कि नीड क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, हमारे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके भी आपके हम सीखते चले गए और आज भी सीख ही रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ये रजाइयों में वर्क हो रहा है ना? हाँ, ये रजाई है, ये जैकेट के लेन को बाद में आप इसके फोल्डिंग के बाद हम कटिंग करेंगे, जैकेट्स बनाएंगे फोल्ड के लिए। अच्छा, हाँ, ये प्लानिंग तैयार होती है और फिर इसको फोल्डिंग करके ऐसे यहाँ पर लिया जाता है, फिर ये प्रोडक्शन में जाएगा। अभी ये हमारी एम्ब्रॉयडरी मशीन है। अच्छा, इस पर कोई अपने लोगो या अपना कुछ भी एम्ब्रॉयडरी कराना चाहता है वो पॉसिबल, जिस प्रकार की ये हमारे लोगो लगे हुए हैं हम इनको यूज करते हैं, ये बनाते हैं। अच्छा, अभी आज काम नहीं था तो इसलिए नहीं चल रही है। अच्छा, तो ये मतलब अगर किसी को अपने और अपने लोगो किसी भी पर्पस से बनाने हो तो वो भी बन जाएंगे? सब बन जाएंगे। अच्छा, सब बन जाएंगे। अगर कोई अपना खुद का कुछ टैग लाइन बनाना चाहते हैं तो सब बन जाएंगे? सब बन जाता है। अच्छा, ये हमारा फिनिश गुड्स स्टोर है, यहाँ पे आफ्टर प्रोडक्शन यहाँ पे सारा स्टोर आता है, यहाँ से मार्केट के लिए यहाँ से जाता है। यहाँ जैसे बाहर भेजना होता है पैक करके भेजते हैं, ये जैसे भी होता है। अच्छा, तो ये इस टाइप के पैकेट बनाए जाते होंगे? हाँ जी, और ये बल्क क्वांटिटी में डिलीवर होते होंगे सब जगह, ठीक है? जो अभी आप सबने देखा मेरा ये पूरा संस्थान, मैंने प्रोडक्शन फ्लोर दिखाया, अपना ये हमारा डिस्प्ले दिखाया, स्टॉक दिखाए, ये कम्प्लीट हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इसमें जो हमारा काम करने का एक उद्देश्य है, मेरे अपने रोजगार के साथ साथ अपने परिवार को भी मैंने एंगेज किया, उनको भी रोजगार मिला हुआ है। सही बात है। दूसरे जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें भी एक रोजगार मिल सके, उसका भी एक प्रयास है। दूसरे महिला सशक्तिकरण पे हमारा काम है कि हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे के उनको अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बना सकें। सही बात है। उनको आर्थिक मदद मिल सके। तीसरा इम्पोर्टेंट है, जो हम मेरी बैकग्राउंड भारतीय सेना से है, कि भारतीय सेना के लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है, सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर सकें। सही बात है। तो आपने अपनी इस जॉब को अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है और बाकी इनके जो बेटे हैं अब वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट लगी होगी तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड फैमिली सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे किसी फौजी भाई के पास ये वीडियो पहुंची है, वो कहीं भी रहते हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और इस वीडियो को अपने उन लोगों पे ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेस्ट क्वालिटी की चीज़ आपको उत्तराखंड से मिल रही है, फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें मिल रही हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी हर तरह की प्लेलिस्ट से शेयर कर दीजिए और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं या आपकी तरह भी आपके पास भी इस तरह की कोई फैक्ट्री है उत्तराखंड के अंदर, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग आज हमारे चैनल में पहली बार हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह की और भी वीडियो हमारी गैलरी में आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।